तो भाजपा के कैंडिडेट जुगल किशोर शर्मा जी इस समय रियासी के मेन बाजार में हैं और लोगों से मिल रहे हैं। इससे पहले उन्होंने चकाना में अरनास करिए था मोहर में अरनास में और सलाल में कार्यक्रम किए और अब वो रियासी में पहुंचे। रियासी के मेन बाजार में है, गणेश मंदिर के नीचे है, पापा चौक के पास से उन्होंने अपनी ये रैली जो है वो शुरू की और लगातार लोगों से दुकानदारों से मिल रहे हैं। ये तस्वीरें आप रियासी के मेन बाजार की देख रहे हैं। उनके समर्थक जो है कम संख्या में लोग जो है वो एकत्रित हुए हैं और जुगल किशोर शर्मा जी लोगों से मिल रहे हैं और ये अपील कर रहे हैं और इस समय जो है गणेश मंदिर के नीचे की तरफ आ रहे हैं मेन बाजार में। उनकी ये रैली जो है वो इस समय निकल रही है, लगातार लोगों से मिलने का कार्यक्रम उनके द्वारा किया जा रहा है। इस मौके पर भाजपा के बड़े नेता भी शामिल है, जिला स्तर के जो नेता है वो भी शामिल है, लेडीज चेयरपर्सन पूर्व विधायक अजय नंदा जी वो भी शामिल है और लगातार लोगों से मिलने का कार्यक्रम जो है वो इस समय चल रहा है। सर क्या उम्मीद है 400 का जो दावा कर रहे हैं और 370 पार अकेली बीजेपी की दावा कर रहे हैं, हो पाएगा सर? नंदबंधु जी बात ये है कि मैं रियासी जिला का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हमें अपनी संगठन का छोटा कार्यकर्ता हूँ तो मैं जिले की ही बात कर सकता हूँ। जिले की बात करते हैं, केंद्रीय विद्यालय और बन टोल प्लाजा। बन टोल प्लाजा देखिए ना, उसके एक्सप्रेस वे आ गया और उसके बाद बहुत सारी चीजें जो है वो हुई है। ठीक है, आप हताश भी करते थे कि मीडिया यही दो सवाल उठाता है। नहीं, बन टोल प्लाजा ही एक ऐसा मुद्दा है जो नहीं हल होता। केंद्रीय विद्यालय 10 सालों में नहीं बना पाए। केंद्रीय विद्यालय भी बनाएंगे, कौन बनाएगा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह नहीं बना पाए, आप जुगल किशोर जी बनाएंगे? देखिए जो हो गया बहुत हुआ है, जो बीत गई सो बात गई। ये कह रहे जो बीत गई सो बात गई, ये कह रहे आप हरिवंश राय बच्चन जी की कहते हैं कि बहुत हो गया है, बहुत कुछ करना बाकी। अभी तो ट्रेलर है, आप ये कह रहे हैं कि जैसे मोदी जी ने कहा, इसलिए तो इलेक्शन हो रहे हैं ना जी। लेकिन सरकार बनेगी, जो रह गए हुए काम फिर करने जी। चलिए शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। जो काम रह गए वो दोबारा करेंगे, दोबारा सत्ता में आने के बाद करेंगे। तो जुगल किशोर शर्मा जी का जो रोड शो है, जो रैली है, इस समय रियासी के मेन बाजार में पहुंची है, खपत के पास से शुरू हुई, मोहर से कार्यक्रम करने के बाद जुगल किशोर जी रियासी के खपत के पास पहुंचे और वहां लगातार कार्यक्रम जो है वो आज डिप्टी रियासी के मोहर में और सलाल में और उसके साथ ही अरनास में कार्यक्रम किया गया और उसके बाद शर्मा जी रियासी में पहुंचे हैं। पूर्व चेयरमैन है म्युनिसिपल कमेटी रियासी के, 400 पार का जो दावा है वहाँ पाएगा पार भाई साहब। गठबंधन इंडिया गठबंधन है आगे, 370 जो है भाजपा का बात है, 370 भाजपा रहेगी और 400 इंडिया रहेगी। लेकिन कैसे होगा, वहाँ पर इंडिया गठबंधन एक साथ हो गया, कांग्रेस जो है 50 के नीचे आएगी। ये तो हम कह रहे हैं, आप पे आरोप लग रहे हैं, आपको पहले कैसे पता 400 पार आएगी? क्या ये लोगों ने काम किया है? मोदी जी ने काम किए हैं, क्या काम किए हैं? आप ऐसी भी बात कीजिए, केंद्रीय विद्यालय में केंद्रीय विद्यालय में आएगा, केंद्रीय विद्यालय में आएगा, मोदी सरकार है, हर चीज मुमकिन है। मोदी सरकार का होता है, आपने देखा 370 कैसे आता, केंद्रीय विद्यालय मुमकिन नहीं हुआ ना।
आपने देखा पाकिस्तान में जाके गुस्से कैसे मारा, इन चीजों को देखिए। क्यों नहीं बता रहे आतंकवाद बिल्कुल खत्म हुआ, पत्थरबाज बिल्कुल खत्म हुआ, पीएसएल लगे आज तक पत्थरबाज अंदर है, आज तक नहीं निकले। अपोजिशन आरोप लगा रही है, इंडिया गठबंधन आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को कांग्रेस आप लेते जा रहे हैं, भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गया। अखिलेश यादव ने कहा कोई भ्रष्टाचारी को नहीं लिया गया, जिसके ऊपर केस खत्म हुआ वो आया है, उन्हीं का ऊपर किसे चल रहा है। आप तो कांग्रेस मुक्त करना चाहते थे, भाजपा को कांग्रेस युक्त कर रहे हैं। कांग्रेस मुक्त होगी यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस जाएगी और जो इंडिया का वो है 120 से ऊपर नहीं जाएगा। जी चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो और कुछ नेता उसे आज अखिलेश यादव जी ने ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शायद कल हुई थी, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों का गोदाम भारतीय जनता पार्टी बनती जा रही है, कांग्रेस के लोगों को डराकर अपने में शामिल किया जा रहा है। क्यों ले रहे आप भ्रष्टाचारियों पर जिन पर आरोप थे उनको क्यों शामिल कर रहे हैं? आपसे कहा था कांग्रेस मुक्त होगी, पार्टी मुक्त करते जा रहे हैं। कहते हैं कि आदमी सुधरना चाहता है, जो सुधर रहा है, जो देश हित में बात करेगा, देखिए बिल्कुल बात कहने का यह है की 70 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और आज आप देखे डेवलपमेंट, आज मीडिया मीडिया की वजह से ही आज भारतीय जनता पार्टी है। मैं आपको क्लियर बताऊँ क्योंकि मीडिया ही सच बताती है, बहुत ही मीडिया का भी आरोप लगता है नेशनल मीडिया पर। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखो अपोजिशन वाले बातें कर रहे थे, उनको कुछ कुछ तो कहना है। कचरा में भी बनाने की पार्टी थी नहीं बन पाया, आपके रोड पे का मुद्दा आप ही उठाते हैं, कैंसर है वो रोड बेस की हम लड़ाई लड़ेंगे, हमारी फाइल जाएगी माननीय गवर्नर साहब से, हमारी बात चल रही है, देखिए होता है क्या। बिल्कुल आप विरोध करते हैं दूसरी तरफ पार्टी के नाम, पार्टी पार्टी हमारी माँ है, पार्टी हमारी माँ है, पार्टी का कोई विरोध नहीं है। ये श्राइन बोर्ड जो रोपे लगा रहा है, ये श्राइन बोर्ड है, क्राइम बोर्ड है, हम श्राइन बोर्ड के खिलाफ है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्यों नहीं सुनी आपकी बात? देखिए बिल्कुल आगे तक क्यों ले, बिल्कुल अभी समय हो गया, अभी इलेक्शन के बाद आप देखो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ही करेंगे और माननीय जुगल जी ही करेंगे। जताइए एक बार फिर जताइए, दो बार तो देखिए ये काफी लंबी लीग से जीतेंगे। केंद्रीय विद्यालय सब कुछ बनेगा, केंद्रीय विद्यालय बनाएगा, बनेगा चाहिए को आप अपने में शामिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो सबूत जो जिनको अप्रूवर बनाया गया था उनको डोनेशन दी है आपकी, जो आपकी पार्टी को डोनेशन दी है। हमारा नरेंद्र मोदी जी का है कि विषय ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उनको शामिल करना चाह रही है, वो जेल के अंदर सलाखों के पीछे आपकी पार्टी में आदर्श को डालने के लिए ये मोदी सरकार है, सबके साथ सबका विकास। आतंकवाद कम हुआ, कमी आई है, बिल्कुल बिल्कुल कमी है। आप देखें पहले कितनी गोलाबारी पत्थरबाजी होती थी, आज भाई देखें कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये मुद्दा काम करेगा, ये लगता है ये मुद्दा काम करेगा, ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। छप्पन इंसान सीना माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, और देखिए मीडिया वाले बिल्कुल आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी फुल मेजोरिटी से आ रही है, और जय जय हो महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती की बात करें जिनके साथ आपने यहाँ पे राज्य सलाखों के पीछे हमारी उनके साथ ये सब सलाखों के पीछे होंगे। नहीं नहीं आप माइक अपने पास करिए, सरकार बनाई थी ना भारत माता की, ये जवाब देंगे। देखिए जो प्रधानमंत्री है करेगा भाई मोदी जी, भाजपा में आ जाएगा जो घोटाले फिर बाद में भाजपा। देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र भाई मोदी जी है, अभी हम उनकी कैंपेन कर रहे हैं और उन्होंने हमें नारा दिया कि अपनी बात 400 पार, और आने वाले दिनों में आप देखोगे कि मोदी साहब की फुल ईमानदार। आप देखो ना अब हमने तो अंदर ठोका नहीं, अब ईडी ने उसको अंदर ठोका है, ठीक है, उसके कितने ही मंत्री आज अंदर है, ठीक है, ये सिर्फ झूठे करते हैं कि हम खाएंगे नहीं, हम अपोजिशन को खत्म किया जा रहा है, हम छोटी छोटी गाड़ियों में चलेंगे, मैं सरकार की गाड़ी बड़ा बंगला नहीं लूंगा, ना मैं बड़ा बंगला लूंगा, ना मैं गाड़ी लूंगा, ना मैं कोई चापर लूंगा, ना मैं स्कूटी लूंगा, और मैं एक आम आदमी की तरह रहूंगा। उस बंदे ने देखो क्या किया है, 10 साल केंद्रीय विद्यालय क्यों नहीं बना? मैं बिल्कुल आने वाले गलती है, नहीं कोई गलती नहीं है भाई साहब, सब कुछ केंद्रीय विद्यालय बनेगा आने वाले और 2-4 महीने में केंद्रीय विद्यालय
दस साल में नहीं बना, दो साल भाई साहब हमने ही बनाना है, जीएमसी लाना है, अभी केंद्रीय विद्यालय लाना है, अभी और बहुत चीजें जो हमें लानी सब कुछ खत्म कर देगा, कोई पार्टी खत्म करेगी, हमारे चिंता नहीं सब कुछ भारतीय जनता पार्टी करेगी, कोई नहीं कर सकता। आपने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, को आप शामिल करते जा रहे हैं, जो सुधरना चाहता है, जो सुधरना चाहता है उसको हम सुधारेंगे। वॉशिंग मशीन है आपके पास? हमारे पास वॉशिंग मशीन लगाइए, ऐसी मशीन जिसमें आप साफ करते हैं, जो सुधरेगा उसको हम 101% सुधारेंगे, अगर जो बोलेगा कि हम नहीं सुधरना चाहते उसको हम सलाखों के पीछे। ऐसे आप कैंसर कहेंगे, कैंसर की बीमारी, लेकिन पार्टी की बात आएगी तो समर्थन करेंगे आप? दो मिनट, बिल्कुल दो मिनट पर सवार है आप, देखे आप देखे IIT IIM आप देखें एम्स, ये जो पोजीशन को खत्म कर रहे हैं और पार्टी हमारी महा में पता है हम अगर जितेंद्र सिंह जी ने 10 साल क्या किया वो बता दीजिए, ये तो जम्मू बने दे, देखे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी नहीं लाया है एम्स IIT, वो तो यहाँ के MP थे, नहीं कहने का मतलब जहाँ के तो यहाँ में ही लाया, जम्मू कश्मीर में ही लाया, PMO में थे इसलिए आप कह रहे हैं, बिल्कुल 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 ठीक है। और फिर कश्मीर में फिर से एक बार वादा करेंगे केंद्रीय विद्यालय और बंटोल प्लाजा, बिल्कुल बिल्कुल ये आपकी सपोर्ट से बनेगा, भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, आप मीडिया वालों की सपोर्ट से बनेगा, ये आप तो आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया वाले बात कर रहे हैं, हम भी बात हम तो ये सवाल कर रहे हैं ना आपको कि भ्रष्टाचारियों को आप लेते जा रहे हैं, क्या जवाब है आपके पास? देखें अब देखे कोई क्राइम करता है जेल में जाता है, जाता है ना, वो मशीन कहाँ लगाई है आपने? ये मशीन आयुष्मान कार्ड है, आदर्श घोटाला, आप देश में राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आदर्श घोटाले के आरोपी आप ब्रह्मस्त्र चल रहे हैं ना, आयुष्मान कार्ड ईडी जब कहीं पर रेड मारती है ना, वो 4 साल पहले पुलिस को स्टडी करती है, ये लोग गलत कहते हैं कि ईडी की रेड पे कोई बात नहीं। आप कुछ कह रहे हैं? देखो अंशित जी आप बड़े प्यार से बात करो, आज देश में जो नरेंद्र भाई मोदी जी की 400 प्लस जो सीटों का अभियान जनता ने अभियान किया, मुझे लगता है 500 प्लस सीटें होंगी। आपको विधानसभा की इलेक्शन याद है, आप प्रचार कर रहे थे तो उनको भी जिनके खिलाफ थे उनको भी पार्टी ने शामिल कर दिया, देखो आप जिनके कभी आपके विरोधी हुआ करते थे सबको शामिल करते जा रहे हैं, क्राइटेरिया जो है कि हमारे साथ जो जिनको मोदी जी का अच्छा काम लग रहा है वो सभी जनता मोदी जी के साथ चल रही है, उसमें विरोध तो होना नहीं चाहिए, सब जो पंच सरपंच अपोजिशन तो कह रही है अच्छा नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचारियों को आप शामिल करते जा रहे हैं, लगातार शामिल करते हैं जी, आप भ्रष्टाचारी जो करेगा वो जेल के अंदर जाएगा। न्याय की बात कर रहे हैं, महिलाओं को साल का 1 लाख रुपया, युवाओं को 1 लाख रुपया, ट्रेनिंग कराएंगे 1 लाख रुपया देने की भी बात है। नरेंद्र भाई मोदी जी ने हर गरीब तक जो काम किया है वो जनता बोल रही है, हम आप नहीं बोल रहे, तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के लिए और गरीबों के लिए काम किया है, सड़क पानी बिजली जो सरकार आज राशन जो गरीब जनता को मिल रहा है, 6,000 रुपया जो खाते डायरेक्ट पैसा जाता था, तो कांग्रेस प्रधानमंत्री भी कहते थे ये रेवड़ियां बांटने वाला जब आप करती थी, तो आप जब फ्री देते हैं तो वो रेवड़ियां नहीं। अंश जी आप ही बहुत ही भली भांति जानते हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी एक विश्व का नेता है, पूरे वर्ल्ड का नेता है, तो जनता ने उनको इतना पसंद किया हुआ है कि इसी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये नरेंद्र भाई मोदी जी की खुद बहुमत के साथ 400 पार होगी, मैं गर्व से कहता हूँ कि 500 पार नरेंद्र भाई मोदी जी की होगी। वो आरोप लगाते हैं ईवीएम का, आरोप लगाते हैं कि आपको ईवीएम तो इसमें कोई है ही नहीं, उनके पास मुद्दा कोई नहीं है, अपोजिशन के पास कांग्रेस के पास और मुद्दा क्या है? ईवीएम तो सभी उनके सभी जो कार्यकर्ता है वो बीच में बैठते हैं, उसको चेक करवाया जाता है, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में DC रियासी वो उनको बैठाते हैं सभी को, मगर उनके पास मुद्दा नहीं है। आपने 500 ही कहा, मुझे लगा 545 से तो ज्यादा, 500 प्लस सीटें होंगी, 400 कह रही है, 500 प्लस हम कार्यकर्ता कह रहे हैं, रियलिटी कह रहे हैं आपको, क्योंकि देश में जनता ने नरेंद्र भाई मोदी जी को पसंद किया, वो विश्व के नेता हैं, वो हमारे हिंदुस्तान का, ये भी कांग्रेस के थे, इनको भी आपने शामिल कर लिया, सारे लोग अपने पर, इनको अच्छा काम लगा नरेंद्र भाई मोदी जी का, तो सभी लोग इस पार्टी के अंदर आए जी जी। चलिए चलिए, शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद। तो जुगल किशोर शर्मा जी इस समय पूर्व विधायक जो है वो उनके घर पहुंचे हैं और उनकी रैली जो है वो खत्म हो गई है, और कोशिश करेंगे उनका बाइट उनसे बातचीत करने की भी। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, प्रदीप भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।